नमस्कार साथियों, आप देख पा रहे हो आपका अपना YouTube चैनल अभिषेक क्लासेज। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, आपकी जिंदगी ठीक चल रही होगी। साथियों, लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगार युवक और युवतियां नगर पालिका नगरीय निकायों में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती थी, इसका जो नोटिफिकेशन था, इसका हम लोग काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। लेकिन साथियों, वो घड़ी आ चुकी है कि वह इंतजार की घड़ी पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। जी हां साथियों, सफाई कर्मचारी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। विस्तृत आपको पूरी की पूरी जानकारी दे रहा हूं, कैसे फॉर्म अप्लाई करोगे, कब से कब तक फॉर्म अप्लाई होगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। बोर्ड पर ध्यान दीजिए जल्दी से। साथियों, सफाई कर्मचारी सीधी नई भर्ती 2024 का रिक्रूटमेंट है। आपको बता दूं कि राजस्थान की 185 नगरीय निकायों में यह भर्ती आई हुई है। अलग अलग पदों का विवरण है, आप कुछ इस तरीके से यहां पर देख पा रहे होंगे। और मैं बता देता हूं कुछ आपको कि कौन कौन सी नगरीय निकाय है। जैसे कि दोस्तों, नगरीय निकाय का नाम है जयपुर ग्रेटर 3370 पद है, जयपुर हेरिटेज 707, चौमू 171, सामर 59, चाकसू 64, कोटपुतली 143, फुलेरा 63 वैकेंसीज है, जोबनेर से 57 है, किशनगढ़ से 68 है, शाहपुरा से 107, विराटनगर 57, वगरू से 112, सीकर से 550, फतेहपुर से 237, रामगढ़ से 42, श्री माधोपुर से है 46, नीमखा थाना से 66, खंडेला से 56, रींगड़ से 91। उसी प्रकार दोस्तों, नदबई, वैर, कुमेर, भुसावर नगर, धौलपुर, बाड़ी, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली, हिंडौन, टोड़ाबीन, अजमेर, आपको यहां इस तरीके से जो है नोटिफिकेशन में सबकी सब नगरीय निकायों में जो कितने पद आए हैं वह जानकारी मिल जाएगी नोटिफिकेशन में। और नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, यहां पर टोटल पदों की बात करें तो 23,820 पदों पर यह भर्ती आई है। गोल्डन चांस है आप सभी के लिए। एंड ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है वह 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक है। आप आसानी से फॉर्म अप्लाई करोगे। एसएसओ आईडी ऐसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया होगा और एसएसओ आईडी से ही आप लोग अप्लाई करोगे। राजस्थान से बाहर के अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जीडीएस की नौकरी के लिए सपना देख रहे हैं, जीडीएस से तो शानदार वैकेंसी है, आ जाओ, आपका वेलकम है राजस्थान प्रदेश में। चाहे आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, यहां आकर फॉर्म अप्लाई करते हो तो जिंदगी बनने में जरा सा टाइम लगेगा। पूरी जानकारी देखिए, राजस्थान प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों ने एसएसओ आईडी नहीं बनाई होगी तो वो बन जाएगी आसानी से। दोस्तों, अगर कोई फॉर्म में गलतियां कर देता है तो उसको सुधार सकता है। उसकी डेट है 11 नवंबर से और 25 नवंबर। यहां 100 रुपए फीस लगेगी, ठीक है। फॉर्म में अगर की हुई गलती को आप लोग सुधारते हो तो 100 रुपए फीस लगनी है। फीस क्या रहेगी, जनरल के अभ्यर्थियों को 600 रुपए देना है एंड एससी एसटी के अभ्यर्थियों को 400 रुपए, पीएच को 400 रुपए। अगर आप राजस्थान प्रदेश से बाहर के हो, ठीक है, और आप हो एससी एसटी ओबीसी पीएच कैटेगरी के, तो आपकी फीस वही जनरल के बराबर लगनी है। आपको यहां आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये तो केवल राजस्थान प्रदेश की है, आरक्षण का लाभ मिल रहा है। एससी एसटी की 400 फीस है, ओबीसी की 400, पीएच की 400, ठीक है। योग्यता, शैक्षणिक योग्यता अनपढ़ है दोस्तों, कोई भी आपको इसमें पढ़ाई की जरूरत नहीं है। एंड एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी सफाई का। ये कहां से बनवाए, कैसा बनवाए, वह आप सुनिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में ये सब बातें कर रखी है। तो इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूं आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पिछली बार क्या किया था, ये पहले और नोटिफिकेशन आया था इसका, सफाई कर्मचारी भर्ती का। तो अभ्यर्थियों ने क्या किया था कि कहीं से भी किसी भी जगह से जो है ये सफाई कर्मचारी का प्रमाण पत्र बनवा लिया था तो वो नहीं चलेगा। सुनिए कहां का चलेगा, राज्य की नगरीय निकाय से सीधे ही नियोजित होने की स्थिति में मुख्य नगर पालिक अधिकारी या उनके द्वारा अन्य प्राधिकृत अधिकारी अथवा
संवेदक प्राधिकृत संस्था के माध्यम से नियोजित होने की स्थिति में संवेदक प्राधिकृत संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र जो संबंधित नगर निकाय के वरिष्ठ प्रबंधक ठोस कचरा या मुख्य प्रबंधक ठोस कचरा द्वारा संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत नगर पालिका एवं नगर परिषद के स्तर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं नगर निगम के स्तर पर उपायुक्त कार्मिक या आयुक्त द्वारा प्राधिकृत ऐसा अधिकारी जो उपायुक्त के पद से निम्नतर नहीं हो से प्रति हस्ताक्षरित हो। प्यारे साथियों, यहां पर किसी भी प्राइवेट संस्था प्राइवेट जगह से आपका ये सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। जिन्होंने पहले लिया था ना 5,000-5,000 रुपए में, 10,000-10,000 रुपए में, 2,000-2,000 रुपए में, उसको जला दो, उसको कोई काम का नहीं है। मैं उस टाइम भी कह रहा था आपसे, लूट लिया बेरोजगार अभ्यर्थियों को प्राइवेट संस्थानों ने सफाई कर्मचारी के प्रमाण पत्र के नाम पर। बेरोजगार अभ्यर्थियों से लाखों रुपए कमाए हैं आपके, तो वो पैसे चले गए। आपने तो 2,000 रुपए दिए, लेकिन 2,000-2,000 से अगर इकट्ठा करें तो बहुत सारे बच्चों ने उनको पैसे दिए हैं, लाखों रुपए कमा लिए। अब वो प्रमाण पत्र किसी भी काम का नहीं है। अब तो आपको कोई भी सरकारी ठेकेदार है सफाई कर्मचारी वाला नगरीय नगर पालिकाओं के अंदर, उसके थ्रू ही बनवाना पड़ेगा, वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। सरकारी से प्राइवेट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। योग्यता तो अनपढ़ है, लेकिन ये प्रमाण पत्र कंपलसरी रहेगा। आप राजस्थान प्रदेश के हो या राजस्थान प्रदेश के बाहर के हो, ये प्रमाण पत्र जरूरी है। अब कुछ बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर परेशान होने वाले हैं, तो मैं कहता हूं अगर आपको अनुभव प्रमाण पत्र की आवश्यकता है तो आप इंस्टाग्राम पर मेरे से संपर्क कर सकते हो। दोस्तों, अनुभव प्रमाण पत्र का जो प्रारूप है वह है वेबसाइट पर मिल जाएगा। वेबसाइट है isg.urban.rajasthangovernment.in, तो वो तो मैं लिंक डाल दूंगा इसकी। इस वेबसाइट पर फॉर्म का फॉर्मेट मिल जाएगा, इसको निकाल लेना किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाकर, इसको भर देना और इसमें जो भी हस्ताक्षर वगैरह करवाने हैं वो तो नोटिफिकेशन में भी दे रखा है, आप खुद से पढ़ लेना, हिंदी में है नोटिफिकेशन, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण है इसमें। दोस्तों आयु सीमा जो है वह 18 से 40 वर्ष रखी गई है और ओबीसी की आयु सीमा 45 वर्ष, एससी एसटी 45, ऑल कैटेगरी महिलाएं 45 वर्ष तक की इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकती है। देखिए, जनरल का कोई पीएच अभ्यर्थी है, विकलांग है, तो वो 45 वर्ष, या फिर ओबीसी एससी एसटी का कोई पीएच कैटेगरी का है तो उसकी आयु कहीं ना कहीं 50 वर्ष तक अगर हो चुकी है तो वह भी यहां फॉर्म अप्लाई कर सकता है। चयन प्रक्रिया सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों लॉटरी के माध्यम से होगा। आपकी फॉर्म की जांच होगी, आपके प्रमाण पत्र की जांच होगी, लॉटरी निकलेगी, लॉटरी के अकॉर्डिंग ही होगा। और बता दूं कि यह है एक स्थायी नौकरी है, सरकारी कर्मचारी है, आपको सैलरी खूब मिलेगी, पेंशन मिलेगी। एंड दोस्तों सैलरी की बात करूं तो शुरुआती सैलरी 25,000 प्लस रहेगी और इसमें सारे भत्ते आप और जोड़ सकते हो। केवल एक नगरीय निकाय से एक व्यक्ति फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आपने देखा कि 185 नगरीय निकायों में यह भर्ती आई हुई है, लेकिन 185 में से एक ही नगरीय निकाय के अंदर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। साथियों, जो राजस्थान सफाई कर्मचारी की यह सीधी भर्ती आई है, इसमें सभी राज्यों के व्यक्ति अप्लाई कर सकते हैं, सभी राज्यों के बेरोजगार अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशंस का ध्यान रखना, अगर आप बाहर के हो तो ओबीसी एससी और एसटी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वह है जनरल यानी कि यूआर के पद पर होगा और यूआर के बराबर ही आपको यहां सारा कुछ फीस वगैरह कट ऑफ वगैरह जो भी लॉटरी निकलेगी वो निकलेगी। राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, शानदार नौकरी है, बिना परीक्षा इसमें डायरेक्ट आपका चयन हो रहा है। साथियों इसको चूकना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सभी कैटेगरी के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करें, यह शानदार मौका है। 23,820 पद बहुत ज्यादा होते हैं साथियों, इसलिए सभी की सभी फॉर्म डालिए एंड इस पद को छोटा ना समझे। कुछ अभ्यर्थी कहेंगे सफाई कर्मचारी का पद है हम नहीं करने वाले, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्या बनोगे, आईएएस बनोगे, आरएएस बनोगे, पहले सफाई कर्मचारी तो बन जाओ, आईएएस तो बन जाना, क्या दिक्कत वाली बात है।
जिंदगी में प्रेजेंट टाइम में सफाई कर्मचारी बनना भी बड़ी टेढ़ी खीर हो चुकी है प्यारे साथियों। देखना इसके लिए फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं, राजस्थान प्रदेश ही नहीं ऑल इंडिया के सभी बेरोजगार युवक और युवतियां यहां इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, और देखना कितनी संख्या में फॉर्म अप्लाई होते हैं, क्योंकि कोई इसमें योग्यता नहीं रखी है, अनपढ़ फॉर्म अप्लाई करेगा, आयु सीमा भी 50 वर्ष तक है, ठीक है, तो बुड्ढे बुड्ढे भी अप्लाई करने वाले हैं। शानदार नौकरी है, सैलरी है शानदार, और मेरे ख्याल से फॉर्म डालना चाहिए। सफाई कर्मचारी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दी गई है, जल्दी से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है वहां जाइए और इसको विज्ञप्ति को पढ़िए, और फॉर्म अप्लाई करते समय सावधानी पूर्वक सारी बातें फॉलो कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।